दिनेश लाल यादव निरहुआ फिर से आजमगढ़ में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन इस बार उनके सामने अखिलेश यादव नहीं बल्कि उनके भाई धर्मेंद्र यादव हैं। लेकिन बेगानी शादी में दीवाना बनने को बेचैन रहने वाले ओम प्रकाश राजभर ने भी इस चुनावी मुकाबले में जैसे ही एंट्री मारी, निरहुआ ने उनकी ऐसी तैसी कर डाली। असल में ओपी राजभर ने निरहुआ को लेकर कह डाला कि वो भद्दे भद्दे गाने गाते हैं, समाज में अश्लीलता फैलाते हैं। वो गाना गाते हैं, का हो निरहु बकरी चरावा, निरहु को लोग घुरहु बनाकर भेज देंगे। ओपी राजभर ने कहा कि आजमगढ़ चुनाव में याद आ रहा है, निरहु को जाकर फिल्म बनाएं, गाना गाएं, ये आजमगढ़ है, यहाँ लोग उन्हें गढ़ देंगे। उनके ओम प्रकाश राजभर के इस बयान पर भाजपा प्रत्याशी निरहुआ ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ओपी राजभर को जवाब देते हुए उनको चाचा तक बता दिया और कहा कि हाँ, मैंने बकरी चराई है, खेती के भी कई काम किए हैं, उन्हें अपना पता होना चाहिए उनकी बकरी किस खेत में चर रही है। उनका इशारा गठबंधन बदलने को लेकर था। उन्होंने कहा कि चाचा को बताओ कि हम बकरी चरैले भाई, खेती के सभी काम कर लेते हैं, बोझा भी उठा लेते हैं, हल भी चला लेते हैं, मैं ऐसे ही परिवार से आता हूँ, चाचा को ज़रूरी है कि वे मेरी बकरी की चिंता छोड़कर अपनी बकरी की चिंता करें, उनकी बकरी एक एक जगह टिकती नहीं है, कभी इस पार्टी में चले जाते हैं तो फिर कभी उस पार्टी में चले जाते हैं, पहले वो अपनी बकरी की चिंता करें। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ लोकसभा सीट पर 23 जून को उपचुनाव होना है, इसके नतीजे 26 जून को जारी किए जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को इस सीट से टिकट दिया है, जबकि भाजपा ने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को टिकट दिया है। बसपा ने जिले की मुबरपुर सीट से 2 बार विधायक रह चुके गुड्डू जवाली को उम्मीदवार बनाया है। आजमगढ़ शुरू से ही समाजवादी पार्टी की मजबूत सीट मानी जाती रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2.5 लाख मतों से यहां जीत दर्ज की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।